हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बालों के लिए इतनी ज़्यादा कमाल की रेमेडी लेके आई हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप इस रेमेडी को अप्लाई कर लेंगे तो आपके बाल नेचुरल तरीके से ब्लैक होंगे और आपके बालों की जो हर एक समस्या है वो भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी। बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेमेडी है। तो चलिए बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही नई नई कमाल की रेमेडी देखने को मिलेगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 2 से 3 आंवले को ग्रेट करके ले लेना है। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है तो ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक करता है ये। तो इस तरीके से देखिए, इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको धीरे धीरे करके इसको रोस्ट कर लेना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी रोस्ट ना करें क्योंकि इसमें अगर आपको जला देंगे तो उतना अच्छे से आपके बालों में रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप कमेंट करेंगे कि आप हमारे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, आप इसमें बिल्कुल भी काले बाल नहीं हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप है जो अच्छे से वीडियो को देखते नहीं हैं, अच्छे से रेमेडी को तैयार करते नहीं हैं और कमेंट करते हैं कि हमारे बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। तो आप इस तरीके से रेमेडी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप देखिए और आप इसको सही तरीके से अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे देखिए, हमने इसको रोस्ट करते हुए हमारे को 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें कि आप लो फ्लेम पे आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप इसको लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का रिजल्ट आएगा क्योंकि ये जो हमने जो आंवला इसमें आंवले को ग्रेट करके डाले हैं वो बिल्कुल जलेगा भी नहीं और धीरे धीरे करके इसका कलर चेंज होगा और ये बिल्कुल अच्छे से नेचुरल तरीके की डाई बन के तैयार हो जाएगी। आप इसमें अगर कोई भी चीज़ नहीं मिक्स करेंगे तो भी आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी क्योंकि आंवला है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक करता है। आप इसका सूखा पाउडर बना के भी आप अपने बालों पे अप्लाई करें। आप थोड़ा सा अगर आप तुरंत में कहीं जाना है तो आप इसका सूखा पाउडर को भी अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ब्लैक कलर हो चुका है और ये बिल्कुल ज़्यादा डार्क ब्लैक भी नहीं हुआ है। हम इसको बिल्कुल भी जलाएंगे नहीं। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसको ड्राई कर लेना है। अब इसमें आपको और क्या चीज़ ऐड करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब इसमें थोड़ी सी हमने ले लिए, 1 चम्मच ले लिए कलौंजी ले लिए। तो कलौंजी से हमारे बाल बिल्कुल नेचुरल ब्लैक होते हैं। आप चाहें तो सूखे आंवले को आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, भिगो के भी अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसमें आंवले के पाउडर की और ऐड कर दिए हैं, वो भी हमारे बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक करता है। फ्रेंड्स, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, रेमेडी इतनी ज़्यादा कमाल की होने वाली है कि लोग पूछेंगे आपने लगाया क्या है जो आपके बाल नेचुरल ब्लैक हो चुके हैं। ये थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसमें मेहंदी पाउडर। तो मेहंदी पाउडर भी हमने इसलिए ऐड करे हैं कि हमारे बालों में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हमारे बालों में साइन भी आनी चाहिए, तो हमारे बालों में शाइनिंग भी आएगी। ये रेमेडी इतनी ज़्यादा कमाल की होने वाली है कि आप इसका जो जितना इसका फ़ायदा बताऊं उतना ही कम है। बहुत ही ज़्यादा कमाल का रिजल्ट आएगा इसका। तो देखिए, आपको इसको जलाना नहीं है, आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसी तरीके से आपको रोस्ट करके इसकी गैस को बंद कर देना है। तो देखिए, इसका कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है और अब इसकी गैस बंद करके आप इसको बिल्कुल ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद में आपको इसको या तो आप मिक्सी के जार से भी पीस सकते हैं, मिक्सी ग्राइंडर से भी, या आप कोई भी अगर उंगली मूसली आपके पास कूटने वाली तो आप उसमें भी कूट सकते हैं, या आपके पास अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अगर मिर्ची पीसने वाला जो अगर सिलवट्टा आता है चटनी पीसने वाला तो उसके ऊपर भी आप इसका बारीक पाउडर बना सकते हैं। पीस के बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया और इसको बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना के तैयार करना है। तो देखिए, बिल्कुल पाउडर इसका बारीक बन के तैयार हो चुका है। अब आपको ले लेना है एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालना है इसको जो हमने ये पाउडर इसका बना के तैयार किया, उसको डाल के आपको छान लेना है। इतना ज़्यादा कमाल का रिजल्ट आएगा कि मैं गारंटी से बोल रही हूँ, रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कमाल की असरदार बनने वाली है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा अगर कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके अप्लाई कर लेंगे तो आपके बाल जो नेचुरल तरीके से ब्लैक होंगे, बहुत ही ज़्यादा कमाल का रिजल्ट आएगा। आपके बालों में एक अच्छी सी चमक आएगी और बालों की लेंथ भी बढ़ेगी और आपके बाल नेचुरल ब्लैक भी होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, रेमेडी ज़रूर बना के अप्लाई करें। प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही नई नई कमाल की रेमेडी देखने को मिलेगी। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये रेमेडी को बना के तैयार करेंगे। देखिए, इसको छान कर बिल्कुल आपको मोटा पाउडर बिल्कुल भी नहीं लेना है, बारीक पाउडर लेना है जो आपके बालों में अच्छी सप्लाई हो सके।
क्योंकि ज़्यादा अगर मोटा पाउडर लोगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं करेगा और आपके बालों पे चिपकेगा भी नहीं। तो यह हमने ले लिया, एक पैकेट आपको कॉफ़ी का लेना है, ऐसे नहीं, इसमें भी आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। पूरा जो हमने आपको 10 रुपए का जो पाउच आता है उसको आपको इसमें डाल देना है कॉफ़ी पाउडर को। और अब इसमें आपको डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेना है। आप चाहे तो इसमें एलोवेरा जेल से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट जो हम तरीका बता रहे इस तरीके से आप ये रेमेडी बना के अप्लाई करेंगे तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट आएगा। आपके बाल बिल्कुल नेचुरल ब्लैक होंगे और आप इसको अगर ओवरनाइट छोड़ देंगे आप इसको भिगो के, तो उससे आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। क्योंकि इसमें जो हमारे लोहे की कढ़ाई होती है इसमें आप अगर इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो बिल्कुल इसका ब्लैक कलर हो जाता है। ये आयरन में जो आप ये चीज़ें डाइव करके और आप इसको रखते हैं, तो देखिए इसको हमने इस तरीके से इसको पेस्ट को तैयार किए हैं और ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। आप देखिए इसका कलर है, जो आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बालों में कितना अच्छा रिजल्ट देने वाला है ये। तो इस तरीके से रेमेडी बना के अप्लाई करें, बहुत ही कमाल का रिजल्ट आएगा, आपके बाल नेचुरल ब्लैक होंगे। आप इसको कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार कंटिन्यू, अगर आप इसको कम से कम इसको महीने भर के लिए अप्लाई कर लें, आपके बाल परमानेंट ब्लैक हो जाएंगे। आप इसको बार-बार में जो आप बार-बार में जो लगाते हो कि डाई लगाते हो, महंगा महंगा जाके आप लेके आते हो, कलर लेके आते हो, वो बिल्कुल लगाना बंद करेंगे, नेचुरल तरीके से ये डाई अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।